वैभव और शौर की कोई कमी नहीं थी। उनकी प्रजा ने उनसे सभी प्रकार से सुखी थी, लेकिन चिंता का कारण ये था कि उनकी कोई संतान नहीं थी। संतान प्राप्ति की इच्छा से वे सदैव चिंतित रहते थे। महाराज, आप चिंतित क्यों हैं? देवी कौशल्या, मैं बहुत चिंतित हूँ कि हमारे कोई पुत्र नहीं है। मेरे बाद प्रजा का कौन ध्यान रखेगा? महाराज, आप कुलीवर से बात कीजिए, वह अवश्य कोई उपाय बताएंगे। हाँ हाँ महाराज, मुनिवर के पास इस चिंता का जरूर कोई हल होगा। अच्छा ठीक है, मैं अवश्य जाऊंगा। राजा दशरथ गुरु वशिष्ठ के पास जाते हैं। प्रणाम मुनिवर। आयुष्मान भवा, क्या बात है राजा, आप बहुत चिंतित लग रहे हैं। मुनिवर, आप तो जानते ही हैं कि मेरे कोई पुत्र नहीं है, इसलिए मैं बहुत चिंतित हूँ, कुछ उपाय बताएं। महाराज, आज सूर्य देवता उत्तरायण में प्रवेश कर रहे हैं। इस शुभ मुहूर्त में अपने कुल देवताओं से जो भी मांगेंगे वह इच्छा पूर्ण होगी। गुरुदेव, आपकी कृपा से हमारे पास धन वैभव और शौर की कोई कमी नहीं है, बस दुख इस बात का है कि मेरी कोई संतान नहीं है। आप निराश मत होइए राजन, भगवान सूर्य आपकी मनोकामना अवश्य पूरी करेंगे, परंतु इसके लिए आपको यज्ञ करवाना होगा। तो फिर यज्ञ की शुरुआत कीजिए गुरुदेव। यह यज्ञ मैं नहीं करवा सकता, वेदों के ज्ञाता शिंगी ऋषि इस यज्ञ को करवा सकते हैं। तो फिर उनको बुलाइए गुरुदेव, यज्ञ की शुरुआत कीजिए। इसके लिए राजन को स्वयं उनके पास जाना होगा और प्रार्थना करनी होगी। मैं आज ही उनके पास जाऊंगा और उनसे प्रार्थना करूंगा। राजा दशरथ नंगे पांव जाते हैं। और प्रार्थना करते हैं। उनकी प्रार्थना सुनकर श्रृंगी मुनि ने भव्य यज्ञ का आयोजन प्रारंभ किया। इस यज्ञ में श्रृंगी मुनि के साथ साथ सभी ऋषि मुनि, तपस्वी, मित्रगण, राजा महाराजा, गुरु वशिष्ठ भी शामिल थे। मंत्रों के उच्चारण से चारों दिशाएं गूंज उठी और यज्ञ की आहुति से सभी दिशाएं महक उठी। हवन कुंड की अग्नि से अग्निदेव प्रकट हुए। उनके हाथ में खीर का एक पात्र था। राजन, इस खीर के पात्र को लो और अपनी तीनों रानियों में बांटो। जिस इच्छा से तुमने इस यज्ञ का आयोजन किया है, तुम्हारी वह इच्छा पूर्ण होगी। धन्यवाद अग्निदेव, आपने मेरी सारी चिंताएं दूर कर दी। जय हो अग्निदेव। राजा दशरथ जी ने अपने तीनों रानियों को खीर खिलाया। यज्ञ के समाप्त होने के बाद राजा दशरथ जी ने सभी अतिथि गुरुजनों को दान देकर सम्मान पूर्वक विदा कर दिया। You can also sing with us together.